नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बात करने वाली हैं एक बहुत ही बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट सिंगर की, जिन्होंने भाई सारी दुनिया को अपना फैंस बना दिया है। जैसा कि ये सिंगर है, ये बचपन ही से देख तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी इसके कई सारे दीवाने हैं। तो भाई, इनके बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल और यूनिक चीज शेयर करने वाले हैं कि भाई ये जो है डिफरेंट चीजें हैं वो चूज कैसे करती हैं। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद यार, आईज जो है इंसान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, लेकिन जिसकी आईज नहीं, वो बेचारा इस दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकता। लेकिन भगवान ने इनको एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिससे ये अच्छी से अच्छी चीज भी भाई चूज कर देती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो एंड तक है, अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप मेरी तरह मेनुका पौडेल की सिंगिंग के और उनके सच्चे दीवाने हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेनुका दीदी को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मेनुका पौडेल है, शी इज ब्लाइंड सिंस बर्थ, ये बचपन ही से बेचारे जो है देख नहीं सकते, लेकिन भगवान ने इनको एक ऐसी शक्ति दी है जिसकी मदद से अगर फॉर एग्जाम्पल इनको भाई कपड़े भी लेने होते हैं, तो भाई ये एक स्पेशल इंटरव्यू में इन्होंने अपनी जो है शेयरिंग भी की थी कि भाई ये इतनी ड्रेसिंग वगैरह इतनी अच्छी सिंपली होती है, हमेशा ये सिंपल लुक में होती है, अच्छा बोलती है और इनकी यार सिंपलिसिटी जो है ना वो हमेशा टॉप पे होती है। ये भी इनकी जो सिंसियरिटी सिंपलिसिटी, ये भी मुझे बहुत ही अच्छी से अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग शी इज द बेस्ट सिंगर, नो डाउट, लेकिन जो दूसरी चीजें है, जैसे कि यार ये जो है ना, ये एक किसी किसी महान इंसान में होती है, हर किसी में नहीं होती। जैसा कि यार जो है इनकी जो टूवर्ड्स डाउनवर्ड होता है, एक इनकी जो टोन होती है हमेशा स्लो मीठी प्यार वाली टोन होती है। और इसके अलावा अगर ड्रेसिंग वगैरह अगर ये सेलेक्ट करती है, तो उनसे पूछा गया कि यार आप ड्रेसिंग तो इतनी अच्छी जो है पहनती है, ये आखिर आप सेलेक्ट कैसे करती हैं, आपको किसी ने परचेज करके दी है या आप अपने तरीके से करती है। तो तब इन्होंने अपनी शेयरिंग की कि भाई मैं जो है अपनी ड्रेसिंग खुद ही चूज करती हूँ। तो ये जब उन्होंने कहा, तो भाई सारे जो है उस मंच पे जो भी थे सारे शॉक हो गए कि यार इससे कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल। सबने यार हैरान होते हुए पूछा, हाउ इट इज बेटा। तब इन्होंने शेयर किया कि मैं जो भी ड्रेस पहनती हूँ उसमें मुझे फीलिंग आती है कि भाई ये जो ड्रेस है ये कैसी है, ये जो है मेरी बॉडी पे कैसे सूट कर रही है, या ये जो है उसमें मुझे एक वाइब्स आती है, एक अच्छी वाइब्रेशंस आती है, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज नॉट गुड। तो वो वाली सारी चीज़ें जो है ना ये फील करती है। देखो यार कितनी अच्छी सेंस है यार, भगवान ने एक चीज़ तो नहीं दी, लेकिन उसके साथ जो है इतनी अच्छी से अच्छी इनको चीज़ें दे दी जिसकी मदद से है वो चीज़ों को जो है समझ सकती है, सोच सकती है, उनके बारे में जो है एक अच्छे से अच्छा डिसीजन भी ले सकती है। दिस इज वेरी ग्रेट थिंग यार। इसके अलावा यार जो अपनी वो चीजें हैं, मतलब वो खुद ही चूज करती है, अपनी मदद से ही चूज करती है, अपनी जो है सिक्स सेंस से चूज करती है। कहते हैं ना भाई कोई सिक्स सेंस नहीं होता, तो इसे कहते हैं मेरे भाइयों और बहनों सिक्स सेंस। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ द सिक्स सेंस, जिसकी मदद से जो है उनका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि वो अपनी जो है परफेक्ट से परफेक्ट चीजें जो है चूज करती है। मतलब इतना अच्छा क्लासिक फैब्रिक जिसमें उनको उनको जो है कंफर्ट फील होगा, अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होता है, और उनको खुद को समझ होती है, उनको खुद को जो है इतनी शक्ति होती है जिसमें उनको फील होता है कि दिस इज द परफेक्ट फॉर मी। तो मतलब एक इतनी अच्छी से अच्छी चीजें हैं, न कि जो हमारे मेनुका पौडेल है सिर्फ सिंगिंग है, मतलब वो जो है अपनी लाइफ में या रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी सारी चीजों की नीड होती है, उन चीजों में भी जो है अपने हिसाब से जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से जो है मेमोराइज करके रखा है यार। दिस इज द ग्रेट थिंग, और इसकी वजह से ही मैं इनका जो है और भी बहुत ही बड़ा फैंस बन गया हूं। हमारी टीम है इनके बारे में जो है रिसर्च करती रहती है, जो भी न्यूज और अपडेट्स आती है हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपसे शेयर करें। और इसी तरीके की अगर आप भी अगर कोई मेनुका पौडेल के बारे में अगर न्यू चीज जानती है, तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो इसमें क्या होता है कि जो मेनुका पौडेल के जो भी हमारे तरह जो सच्चे दर्शक है, उन सारे जो फैंस को जो है उनकी नॉलेज में जो है इंप्रूवमेंट होगी, और इसके अलावा यार उनको जो अच्छा फील लगेगा कि भाई उनकी जो आइडियल पर्सनैलिटी, इतनी अच्छी से अच्छी सिंगर जिनकी सिंगिंग सुन के भाई हर कोई सुकून महसूस करता है, तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने की बहुत ही अच्छे से अच्छी जो हैप्पीनेस फील होती है, एक इनर वाली हैप्पीनेस जो होती है ना, जिसमें यार अंदर से सुकून आता है, वो वाली फीलिंग आ जाती है जब हम जिसके फैंस होते हैं उनके बारे में जानती हैं, अच्छी चीजें जब मालूम करती हैं या उनको फॉलो करती हैं, क्योंकि यार दिस इज वेरी बिगेस्ट पर्सनालिटी यार। इन मतलब इतनी बड़ी सिंगर होके भी इनकी जो है हमेशा सिंपल रहना, अच्छा बोलना और इस तरीके से बात करना कि भाई
किसी की जो है दिल आजारी ना हो, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर गुड्स नो डाउट यार। तो यार मेनू का पोर्टल की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज और रिव्यूज और इनके जो सॉन्ग्स के जो रिव्यूज है उनके लिए यार हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली तो एक मस्त सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप इस चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।